हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव अ टॉपिक सेल्फ। आज हम लोग रिवीजन करेंगे क्लास नाइन्थ का जो चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें जो सबसे पहली चीज जो आप लोगों को याद रखनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है हमारा सेल्फ थ्योरी। ठीक है, सेल्फ थ्योरी दिया एम साइडेन एंड टी स्वान ने 1938-39। सेल्फ थ्योरी में क्या कहा गया, बेसिकली जो सेल का डेफिनेशन है उसके बारे में हम इसकी बात करेंगे। एंड दैट वाज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तीन बातें बोली गई एम साइडेन और टी स्वान के द्वारा। सबसे पहली चीज कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी कह रहे हैं। दूसरी बात कि सेल ऑलवेज अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। दो चीजें हो गई। प्री एग्जिस्टिंग का मतलब हो गया कि हर सेल किसी ना किसी दूसरे सेल से अराइज हो रहा है, मतलब एक सेल ही दूसरे सेल को प्रोड्यूस कर रहा है। एक सेल अगर एग्जिस्ट करता है तो किसी ना किसी दूसरे सेल से ही वो प्रोड्यूस होके बन रहा है। ठीक, उसका ये समरी हो गया। और तीसरी बात, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। ऑब्वियस सी बात हो गई कि अगर हम लिविंग बॉडी की बात कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्या होगा, सेल से ही बना होगा, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर। तो दैट इज फॉर द सेल थ्योरी। फिर बात आती है मॉडर्न सेल थ्योरी की, जो रडोल्फ विर्चौ ने दिया। किसने दिया? रडोल्फ विर्चौ। इन्होंने क्या दिमाग लगाया बच्चों को समझाने के लिए, या यूं कह लीजिए कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी चूंकि ग्रेजुअली एडवांस होती चली गई, सेल थ्योरी बहुत पहले दी गई, उसके बाद आई बात मॉडर्न सेल थ्योरी की। तो उन्होंने एक प्रोवर्ब यूज किया, एक सिंगल लाइन कोट करा उन्होंने, और उन्होंने कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला। दैट वाज कॉल्ड एज अ मॉडर्न सेल थ्योरी। ठीक है, क्या था? ओमनी सेलुला ई सेलुला। मैं यहां लिख दे रहा हूं शॉर्ट में, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला। दिस वाज द मॉडर्न सेल थ्योरी गिवन बाय रडोल्फ विर्चौ। ठीक, अब आती है बात न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस क्या है? इसको हम लोग मास्टर ऑफ सेल कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस का एक्चुअली बेसिक फंक्शन क्या है, ये किसी भी सेल के सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। और यही कारण है कि हम न्यूक्लियस के लिए वर्ड यूज करते हैं मास्टर ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल, कंट्रोलर ऑफ सेल। ठीक, यहां पे हम वर्ड यूज करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ये बायोलॉजिकल वर्ड है। यूजुअली न्यूक्लियस के लिए एक बहुत अच्छा डेफिनेशन आप ये लिख सकते हैं कि ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ सेल इज कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस। ठीक, ये ऑडियो सुन के आप नोट्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि मेरी शीट्स ऑलरेडी है, ग्रेजुअली मैं अपनी YouTube पेज पे भी लगा दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके PDF फाइल कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में एक चीज और मैं बता दूं, इट वॉज डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस की खोज किसने करी? रॉबर्ट ब्राउन। तो ये सब बातें थी सेल थ्योरी की, मॉडर्न सेल थ्योरी की। एक चीज रह गई जो बताना पहले जरूरी था, सबसे पहले मुझे वही चीज डिस्कस करनी थी। शॉर्ट में मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, एंड दैट इज व्हाट इज सेल वॉज डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हूक इन 1665। जब उन्होंने, अब यहां पे दो चीजें हैं, एक वो कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी करी, वो कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने नॉन लिविंग सेल की डिस्कवरी करी। तो ही इज रिगार्डेड एज दैट ही डिस्कवर्ड नॉन लिविंग सेल, जबकि ल्यूवेनहोक, ए बी ल्यूवेनहोक, एंटन वॉन ल्यूवेनहोएक, HOEK, ही डिस्कवर्ड लिविंग सेल, ही डिस्कवर्ड लिविंग सेल। तो थोड़ा हायर क्लास के लिए है ये वैसे, लेकिन आपको जानना चाहिए अभी से ही, नाइन्थ से ही। ठीक है, ये 78 में भी है ICSE बोर्ड में। लिविंग सेल वॉज डिस्कवर्ड बाई एंटन वॉन ल्यूवेनहोक, एंड नॉन लिविंग सेल, चूंकि कॉर्क सेल इज अ नॉन लिविंग है, तो वो प्लांट का ही पार्ट था जो कॉर्क सेल, जहां से उन्होंने पतली पतली स्लाइड्स काटी, एंड ही ऑब्जर्व द थिन फिल्म इन द माइक्रोस्कोप, एंड ही टोल्ड दैट देयर इज अ कंपार्टमेंट लाइक ए स्ट्रक्चर इन अ कॉर्क सेल व्हेन ही ऑब्जर्व इन माइक्रोस्कोप। और उस कंपार्टमेंट को उन्होंने क्या कहा? सेलुला कहा,
और ये एक लैटिन वर्ड है ऑफ स्पेस और एरिया विच इज कवर्ड बाई द होल डायरेक्शन, कवर्ड फ्रॉम द होल डायरेक्शन, अ कंपार्टमेंट लाइक। और फिर उसका एक इंग्लिश वर्ड आया, डेराइव हो गया, और इसी को फिर फर्दर हम सेल के नाम से जानेंगे। ठीक, उसके बाद सेल की जो स्टडी है उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी, जहां साइटो का मतलब होता है सेल और लॉजी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं टू स्टडी। किसी भी चीज की स्टडी जो होगी, साइटो स्टडी ऑफ सेल, टिश्यू के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, हिस्टोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, ये डिपेंड करता है कि आप पढ़ रहे हैं। जैसे ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स, फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ ऑल फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, दैट इज फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, कार्डियोलॉजी स्टडी ऑफ हार्ट। तो ये ध्यान रखना है, जो लॉजी वर्ड है इसका मतलब होता है टू स्टडी। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट हमारा, जो है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? इट इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पावर हाउस ऑफ द सेल है, और ये इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए भी है क्योंकि इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो आपके लेवल पे, जो क्लास नाइन्थ की बात करते हैं, सेवेंथ एट्थ की बात करते हैं, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बोला गया कि इट इज अ साइट ऑफ रेस्पिरेशन, इट इज साइट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, साइट ऑफ रेस्पिरेशन का मतलब हो गया कि ये वो ऑर्गेनल है सेल्स के अंदर जहां ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, और वो आपको एटीपी, जिसको आप एनर्जी करेंसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको साइट ऑफ रेस्पिरेशन या साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, कोई भी वर्ड आपको मिल सकते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, उसके बाद एक और वर्ड है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया को स्ट्रेंज ऑर्गेनल भी कहते हैं, स्ट्रेंज ऑर्गेनल। एक स्कूल के एग्जाम में आ जाता है, सिक्स सेवेंथ एट एंड नाइन्थ क्लास बच्चों के लिए, कि व्हाई द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड स्ट्रेंज ऑर्गेनल, बिकॉज इट हैज ओन डीएनए एंड राइबोसोम। अब इससे इसका क्या मतलब है सर, कि डीएनए और राइबोसोम बना रहा है तो हम इसको स्ट्रेंज कर रहे हैं। स्ट्रेंज होने का कारण सिर्फ यह है कि ये और प्लास्टिड दो ऐसे ऑर्गेनल हैं जो अपनी भी कॉपी बना सकता है, मतलब एक माइटोकॉन्ड्रिया से वो कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस कर सकता है, उसका अपना डीएनए है, उसका अपना जेनेटिक मटेरियल है। यही कारण है कि हम इन दोनों ऑर्गेनल को, माइटोकॉन्ड्रिया को एंड प्लास्टिड को, क्या कहते हैं? स्ट्रेंज ऑर्गेनल कहते हैं, बिकॉज दे बोथ हैव ओन डीएनए एंड राइबोसोम, दे हैव बोथ ओन डीएनए एंड राइबोसोम। कोई डाउट? ठीक है,